हेलो हेलो यस 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 शर्मा जी की यहाँ से बोल रहा हूँ यार, लाइफ प्लान कर दें हम लोगों की। जी जी हाँ, आ जाइए, आपकी लाइफ प्लान कर देंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। लाइफ में प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। मैंने आज प्लानिंग की है कि मैं श्वेता तिवारी के साथ एक्ट करूँगा और वो मेरी सेक्रेटरी बनेगी। ये मेरी आज की प्लानिंग है। तुम्हारे साथ श्वेता तिवारी नहीं बल्कि मैं हूँ। ओह माय गॉड, मेरी प्लानिंग खराब हो गई आज की। बल्कि मैं तो कहता हूँ चैनल के पैसे भी खराब हुए। आपको तो पता है अर्चना जी कितनी टैलेंटेड पार्टनर है मेरी। एक लाइन भी नहीं भूलती थी अरबाज भाई, एक लाइन भी नहीं। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जब ये पहले एपिसोड में आई थी पूरे सीजन की लाइनें याद करके आई थी। बकवास बंद करो, ये बताओ। यही लाइन थी, ये एक लाइन थी। अरबाज भाई ये मेरी पुरानी पार्टनर है, सोहेल भाई की बड़ी फेवरेट थी। अक्सर ही सोहेल भाई की वैन के बाहर मिलती थी। नहीं लेकिन आज मैंने देखा अरबाज भाई की वैन के आगे भी खड़ी थी। तो इससे क्या मतलब निकलता है, हो ना हो इसका वेंटी वाले के साथ चक्कर है। What rubbish, excuse me. मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ, okay? मैं अपनी शादी प्लान करवाने आई हूँ। अच्छा? तो मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, सुदेश लहरी जैसा। सुदेश लहरी जैसा, वाह। ताकि शादी के बाद तुम्हारी जोड़ी कहीं पे भी जाए तुम्हारी तारीफ हो। बिल्कुल। देखो मेरे पास एक से बढ़ के एक लड़के, लेकिन मैं मुबीन को बुलाना चाहूंगा क्योंकि एक तो मेरा पार्टनर है, दूसरा टीवी पे भी आ जाएगा, थोड़ा एंजॉय भी कर लेगा। बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, बाबा नन्हे नन्हे बच्चे, बाबा छोटा बेटा राजू बैठता दुकान के बाजू खाता है काजू बाबा। ओह माय गॉड, ये कौन है? इसको आगे करो बेटा, इतने साल हो गए तुम्हें करते। ये मेरा नया पार्टनर मुबीन, वेरी टैलेंटेड मैन। वाओ वेरी गुड। मुबीन तुमको मिमिक्री के अलावा कुछ और आता है? ये क्या मतलब तेरा, मिमिक्री करना कोई आम बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम। ए करके दिखा। ए धरती मेरी माँ। तो इसमें क्या मुश्किल है, मैं भी कर। ए धरती मेरी माँ। तो फिर ये करके दिखा। मैं मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी। मैं मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी। वाह, दिल करता है गर्दन उतार दूं तेरी, इतनी अच्छी मिमिक्री की है तुम्हें। देखो लड़का बहुत टैलेंटेड है, इसके साथ शादी कर लो मैं कह रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे कर लूं, पता तो चले लड़का करता क्या है। मैडम आज आप आई हैं तो इस एक्ट में मिमिक्री कर रहा हूँ, वैसे कपिल भाई के एक्ट में खड़े रहने का मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। अरे फिर तो हमारी कुंडली बिल्कुल मिलती है, लेकिन आप शादी क्यों करना चाहते हैं? बहुत दुख भरी कहानी है बाबा। मेरा नारियल पानी का धंधा था, मेरे को अच्छा नारियल 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 दिखता था। एक दिन मेरी बीवी मेरे बाजू में सो रही थी बाबा, उसका खोपड़ी मेरे को नारियल जितना लगा बाबा, मैंने उसको छीन लिया बाबा। बाबा 16 साल हो गए, नारियल को देख के भी डर लगता है बाबा, मुझसे शादी कर लो। नहीं, 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 मैं नारियल पानी बेचने वाले से शादी नहीं कर सकती। अच्छा तो फिर किससे करेगी तू? अंबानी से करूंगी, टाटा से करूंगी। अच्छा टाटा से करेगी, नमक बेचने वाले से शादी कर सकती है, नारियल बेचने वाले से नहीं कर सकती। बुलाओ 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 बुलाओ, है तुम्हारे पास जवाब इस सड़े हुए बेहुदा जोक का कोई? बताओ बताओ, कर ले से शादी। मैं तो कहता हूँ तुम लोग शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी मैं प्लान कर दूंगा। बच्चे को कैसे प्लान कर सकते हैं बाबा? बच्चे प्लान होते हैं, प्लान क्यों नहीं होते? अगर बच्चे नहीं प्लान हो तो फिर ऐसे बच्चे हो जाते हैं। ओह माय गॉड, बाबा ये बताओ ये कौन सा शहर है जिसका मुंह गांव जैसा है? ऐसे बच्चे ना घर में झगड़ा हो ना इसकी वजह से पैदा होते हैं। इसको अपने माँ बाप के बीच में सुला लो ना, लगता ही नहीं है बच्चा माँ बाप के साथ सो रहा है, ऐसा लगता है बाप के साथ दो बच्चे सो रहे हैं। ऐसे बच्चे को बीच में ले डालो, सुबह माँ इधर गिरी होती है बाप उधर गिरा होता है, और ये अकेले बीच में टांगे ऐसे करके, बीच में 20 लीटर सुसु माँ बाप तैर रहे होते हैं। ऐसे बच्चे को तो माँ बाप प्यार भी नहीं करते, कहीं गोद में ना आके बैठ जाए, हट। ऐसे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे बच्चे। अरे ये शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। तुझे तो जानी पहचानी लगेगी, तेरी जान जो निकाली थी इसने। ये ऐसे बच्चे बड़े कमीने होते हैं, ये शक्ल से बच्चे लगते हैं, काम इनका कोई नहीं बच्चों वाला होता। ये बच्चे जो होते हैं इनका फेस बेबी फेस होता है, लेकिन कुछ समय बाद इनके फेस जैसे बेबी अलग अलग जगह हो रहे होते हैं। ये बड़े गंदे बच्चे होते हैं, ऐसे गंदे बच्चे। बाबा मेरे को लगता है ऐसे बच्चे नंगे पैदा होते हैं। ओहो सारे बच्चे नंगे पैदा होते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये सारे बच्चे की डिलीवरी उसी टाइम क्यों होती है जब ये नहाने जाते हैं? ना कपड़ा पहना ना तौलिया पहना। एक बात बताइए आपको कैसा बच्चा प्लान करवाना है? हमको बिल्कुल सलमान खान जैसा बच्चा चाहिए। मुंह तेरा सुधीर जैसा।
बच्चा सलमान खान जैसा चाहिए, थप्पड़ मारूंगा तेरे में। अरे नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब था कि इन्हें हैंडसम बच्चा चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, बच्चे जब पैदा होते तो वो रोते क्यों हैं? देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, आप किसी घर में 9 महीने रहे हो, बिना नोटिस दिए आपको की लात मार के बाहर निकाल दे तो आपको तो गुस्सा आएगा। तो सेम फीलिंग बच्चों की होती है, वो गुस्सा नहीं कर सकते इसलिए रो देते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक और बात, बच्चे जो बार बार सुसु पॉटी करते हैं और डायपर गंदा करते हैं, इसकी भी प्लानिंग हो सकती है? मतलब टाइम टू टाइम करे ऐसा कुछ? इसकी कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, इसकी एक मीटिंग हो सकती है। अब बच्चे के साथ बैठ के बात करें कि बच्चा होगा अपने घर पे होगा, अपनी औकात में रहे, या फिर आप सीधा 6 साल का बच्चा प्लान करें। बाबा इतना बड़ा बच्चा कैसे प्लान होगा? बच्चा प्लान करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। उसको पैदा करने के लिए कम से कम राजीव मेहरा टाइम मम्मी लगेगी। और मैं तो कहता हूँ, मेरी बात सुनो आप, आजकल जाहिल जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, अनपढ़ बच्चे, मैं तो कहता हूँ आप पढ़े लिखा बच्चा प्लान करें। एक सेकंड, पैदा होने के पहले कैसे बच्चा पढ़ लिख सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता हमें बताइए। देखिए आपको सुबह क्या करना है, 1 चम्मच पानी के साथ ABC घोल के पीनी है, और शाम को हिंदी का का खा हाथ में डाल के चाटना है। बाबा अरे बच्चा अंदर कैसे पड़ेगा? बाबा क्या बात कर रहे तू, बच्चा अंदर कैसे पड़ेगा? अरे यार आजकल पैदा होते बच्चों को चश्मे लगे होते हैं, आपने देखा ना कभी जब बच्चा पैदा होता है ऐसे क्यों करता है? इसलिए करता है, वो चश्मा लगा होता है उसको। लेकिन आपने तो बच्चे की प्लानिंग कर दी जी, हनीमून की तो प्लानिंग की नहीं। सारी प्लानिंग हो चुकी, शादी हनीमून बच्चे की प्लानिंग हो चुकी। आपका 32,000 रुपए बिल बना है, आप बाहर सब जमा करवा दें। 32,000? बाबा अभी बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई, हनीमून नहीं हुआ, 32,000? देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे जो प्लानिंग एक बार हो गई हो गई, यहाँ पे कागजों पे ज्यादा प्लानिंग होती है, जैसे मैंने आपकी कर दी है, जैसे इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी हुई है कि किसको जिताना है। अच्छा तो आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप घर के निकलो यहाँ से। तो आप कह रहे इन्होंने प्लानिंग कर ली कि ये हमें कितने नंबर्स देंगे? बिल्कुल इन्होंने प्लानिंग कर ली हुई है, तो इसलिए यही पे खत्म करो। शुक्रिया, थैंक यू। आपका ये जो एक्ट था was a well planned act. I think Kapil missed you on this show. I missed him. Yeah, but acha laga, and I think it just turned out to be very nice. Thank you. Thank you so much, sir. Mujhe act mein kamiyan mehsoos hui, especially ending mujhe abrupt laga. लेकिन उसके बावजूद मुबीन आपका जो जॉनी भाई था, वेरी नाइस। आप कितने सारे लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं, आपकी रेंज बहुत कमाल की है, वेरी नाइस। एंड शुमोना, सो नाइस टू हैव यू बैक हियर, सो सो नाइस। एंड कपिल मेरे भाई, थ्रू आउट द एक्ट कपिल यू वर वंडरफुल, योर कपिलिज्म्स वर देयर एंड आई वाज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो आई एम गोना गिव यू, थैंक यू मैम, well planned and welcome Shumona. thank you guys. तो आज का एपिसोड समाप्त करने से पहले हम अपने जज से पूछना चाहेंगे कि आज का फ्रूटी मैजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द डे हमारे अलावा और किसको जाता है? वैसे तो हमारे लिए सब एक ही है ना? लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद डिसाइड किया है कि सुनील, पूर्वी एंड अतुल गेट द